दतिया जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सुकर्ण मिश्रा ने कहा कि कोरोना के संकट काल में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर्स की सेवा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दतिया जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स डे समारोह मनाया गया। इस दौरान कोरोना काल में महत्वपूर्ण सेवा देने वाले 75 चिकित्सकों का सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस मौके पर भाजयुमो नेता सुकर्ण मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में भले ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बंगाल में हों, लेकिन उनके मार्गदर्शन में चिकित्सकों के साथ सभी ने मरीजों की मन से सेवा की। आपको बता दें, जिस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, तब डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी कड़ी मेहनत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों को समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है। अब जो लोग समाज और देश की सेवा में अपनी जान की चिंता किए बगैर दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए एक साल का दिन तो समर्पित होना ही चाहिए। प्रशासन पे, स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले किए जा रहे थे। मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता क्योंकि आपके सम्मान का मंच है, लेकिन है एक मंच हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। मैं उस कंपैरिजन पे भी नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने एम्स थे, हमारे में कितने हो गए, तब कितनी ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, हमारे में कितनी हो गई, तब कितना हमारा स्टाफ था, आज हमारा कितना हो गया। लेकिन अगर मोदी जी और शिवराज जी मुख्यमंत्री जी की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि ये सम्मान हमको कल तक चलाना पड़ेगा। मैं केवल बात करूंगा तो आपके नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। मुझे याद है, आज से 5 साल पहले मैं इस सभागार में आया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आए थे। ये कोई मानवीय कार्य नहीं है, मुझे लगता है ये पीताम्बरा माई की दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि दतिया में अगर अब कोई ऐसा नेता आएगा तो वो जन भावना और जन सेवा के माध्यम से अपना कार्य करने आएगा। इसलिए 2008 में माई ने नरोत्तम मिश्रा को दतिया बुलाया। इस कोरोना काल की भयावहता में जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, तब एकमात्र हमारा दतिया ऐसा था जिसने अशोकनगर और ग्वालियर में 50+ सिलेंडर उपलब्ध कराए थे। हमारे दतिया में लगभग 60 आईसीयू बेड मौजूद थे, ऑक्सीजन बेड मौजूद थे। झांसी, छतरपुर, निवाड़ी, बबेना, ललितपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, यहां तक कि राजू भाई साहब बता रहे थे कि नोएडा तक से हमारे दतिया ने पेशेंटों का इलाज किया और उनको स्वस्थ करके भेजा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।